हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसएफ डेस्क। मैं हूं एक खान और आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सरोगेसी। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सरोगेसी न्यूज में क्यों रहा है, क्या मीनिंग है इसके, कितने टाइप्स के सरोगेसी होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या लॉज लाए गए हैं और क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उस लॉज में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या क्या प्रोविजन है सरोगेसी से रिलेटेड, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह वर्डिंग दिया है कि जो स्पर्म या एक डोनर होंगे वो पेरेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं उस बच्चे पे। अब हम देखते हैं सरोगेसी के क्या मीनिंग है। कई कपल ऐसे होते हैं जो नेचुरली बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं किसी भी कारण से, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका एक अपना बच्चा हो, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके वो अपनाते हैं, जिसमें से अडॉप्शन हो गया, गोद लेना हो गया, और दूसरा है सरोगेसी। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं, तरीके हैं जिसके वजह से वो बच्चे अपनाते हैं। तो आज हम सरोगेसी पे बात करेंगे कि सरोगेसी होता क्या है। तो ये एक मेथड है, एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन का मेथड है, जहाँ पे जो वीमेन है वो कैरी करती है, डिलीवर करती है बच्चा किसी और का, यानी बच्चा किसी और का है, किसी और कपल का है, लेकिन उसको जन्म देती है कोई और माँ देती है। सरोगेसी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि माँ कोई और जो जन्म देती है और पेरेंट कोई और है, तो जितना इसका मीनिंग कम्प्लेक्स है उतना ही इसके रेगुलेशन, इसके लॉ कम्प्लेक्स है। सरोगेसी के दो टाइप होते हैं, एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी, दूसरा है जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या होता है, जो सरोगेट मदर होती है उसमें इंसेमिनेटेड जो स्पर्म होता है, जो इंटेंडेड फादर होते हैं या डोनर होते हैं, उसको वहां पर इम्प्लांट किया जाता है, और उसके बाद जो वो सरोगेट मदर होती है वो एक जेनेटिक मदर कहलाती है उस बच्चे का। जो जेस्टेशनल सरोगेसी है उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है एग और स्पर्म को मिलाकर, जो इंटेंडेड पेरेंट होते हैं उनका, और वो इम्प्लांट किया जाता है सरोगेट मदर में। जो सरोगेट यहाँ पे जो मदर है उनका जेनेटिक लिंक नहीं होता है उस बच्चे से, क्योंकि एग और स्पर्म किसी और कपल का होता है इसमें। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं सरोगेसी के। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा है पेरेंटहुड फॉर इनफर्टाइल कपल। बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो निराश हो जाते हैं क्योंकि वो इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे को नेचुरली वो जन्म नहीं दे पाते हैं, तो सरोगेसी उनको एक उम्मीद देती है कि भले ही इनफर्टिलिटी हो लेकिन बावजूद इसके आप फिर भी माँ बाप बन सकते हैं, आप पेरेंट बन सकते हैं, बच्चा आपका हो सकता है। दूसरा एडवांटेज है बायोलॉजिकल कनेक्शन। बायोलॉजिकल कनेक्शन में जो जेस्टेशनल सरोगेसी है उसमें स्पर्म और एग जो डोनर हैं उनके होते हैं, तो इसमें एक जेनेटिक कनेक्शन देता है, यानी वो उनका अपना एक जेनेटिक कनेक्शन होता है कि वो कह सकते हैं कि उनका जो जीन है उस बच्चे में है। सरोगेसी अपने आप में एक इंक्लूसिव है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी एक उम्मीद देती है जो आम तौर पे नॉर्मल कंडीशन पेरेंट नहीं बन सकते, जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी हो गए, जो सेम सेक्स कपल हैं उनको भी एक होप देती है सरोगेसी कि आप भी पेरेंट बन सकते हैं, जो सिंगल इंडिविजुअल हैं उनको भी पेरेंट बनने का मौका मिलता है सरोगेसी के थ्रू। इसके अलावा कई वीमेन ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल कंडीशन ये अलाउ नहीं करता है कि वो माँ बने, यानी प्रेगनेंसी उनका रिस्की होता है, इसलिए वो सरोगेसी का रूट अपनाते हैं जिससे वो पेरेंट बन सकें, जिससे वो माँ बन सकें। तो हमने देखा कि सरोगेसी एक बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू ऐसे लोग भी माँ बाप बन जाते हैं जिनके लिए सोचा भी नहीं जा सकता है कि वो कभी पेरेंट बनेंगे, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी हो गए जो इनफर्टाइल पेरेंट हैं, और साथ में जिनके मेडिकल कंडीशन इस हद तक ख़राब है कि वो माँ बन ही नहीं सकते, तो उनके लिए एक उम्मीद देती है, एक होप देती है कि वो भी पेरेंट बन सकते हैं सरोगेसी के थ्रू। जहाँ एक तरफ सरोगेसी का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहीं इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि जो लो इनकम वीमेन हैं जो सरोगेट मदर बनती हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि वो उनको कॉमोडिफाई किया जाए, उनको एक प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज उठते हैं सरोगेसी को लेकर, ग्लोबली बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं सरोगेसी को लेकर। तो सरोगेसी अपने आप में एक इथिकल और मोरल कंसर्न क्रिएट करता है कि किस तरीके से
ये एथिकली सही है, किस तरीके से एथिकली गलत है, तो ये एक डिबेट बना हुआ है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि लीगल कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करती है सरोगेसी, यानी कि जो सरोगेट मदर है उनका क्या राइट होगा, जो डोनर है यानी जो डोनर पेरेंट है उनका क्या राइट होगा, इन दोनों का राइट्स किस तरीके से होगा, कैसे एक दूसरे का एक्सप्लोइटेशन ना हो, ये लीगल कम्प्लेक्सिटीज हैं जो बना हुआ है अभी भी। अगला डिसएडवांटेज है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो सरोगेसी है वहाँ पे इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना लाजमी है, क्योंकि जो नेचुरल पेरेंट होते हैं उनको इमोशनली वो ऑलरेडी अटैच होते हैं अपने बच्चे से, लेकिन यहाँ पे यह है कि जो डोनर है स्पर्म और एक डोनर कोई और है, जो जन्म देने वाली जो माँ है सरोगेट मदर है वो अलग है, तो जन्म जो देती है सरोगेट मदर उसका अपना एक अटैचमेंट होता है बच्चे के साथ, जो डोनर होते हैं उनका अपना अटैचमेंट होता है, तो बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं सरोगेसी में। अगला डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट, जो नॉर्मल तरीके से जो डिलीवरी होती है यानी नॉर्मल तरीके से जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनमें और जो सरोगेसी होती है उसमें बहुत फर्क इसलिए भी है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है सरोगेसी में, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। सरोगेसी के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके इथिकल मोरल लीगल जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 लाया गया है, जिससे जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको बहुत हद तक रिजॉल्व किया जा सके, जिसमें सबसे पहला है कि प्रोहिबिशन ऑफ कमर्शियल सरोगेसी। इसके अंडर में जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको बैन किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब क्या हुआ कि पैसे के लिए सरोगेट करना, यानी कि हमारे पास 50 लाख रुपए हैं, हमने गए और जाके किसी लेडी को पकड़ा और उसको बोला कि आप सरोगेट मदर बनिए, हम आपको कुछ पैसे देंगे, 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, एक रेट तय होता है, एक अमाउंट तय होता है, फिर उसके बाद वो सरोगेट मदर बनती है। इसमें क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं सरोगेट मदर के, तो कमर्शियल सरोगेसी के जगह पर लाया गया अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, यानी कि कमर्शियली नहीं होगा ये, अल्ट्रुस्टिक तरीके से होगा, यानी कि पैसे के लिए आप सरोगेट नहीं कर सकते हैं, सरोगेसी करना है तो कोई आपका क्लोज रिलेटिव हो, कोई क्लोज रिलेशन होना चाहिए माँ बाप के, जो एक सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो, यानी पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, होगा तो एक लिमिटेड होगा, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर लग रहे हैं या इंश्योरेंस कवरेज लग रहे हैं वहां तक के खर्चे दिए जा सकते हैं, एक बड़ा लमसम अमाउंट नहीं दिया जा सकता है, कमर्शियल नहीं हो सकता है, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक होगा, यानी जो रिलेटिव है वही सरोगेट मदर बन सकती है, बाकी दूसरा नहीं बन सकता है, पैसे के लिए ये बनना प्रोहिबिट कर दिया गया है। इस एक्ट में ये ध्यान रखा गया है कि जो सरोगेसी है वो जेन्यून हो, यानी जो कपल है वो जेन्यून कपल है, कोई फर्जी लोगों को इसमें अलाउ नहीं किया गया, यानी कि महज पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए सरोगेसी करना या हमारे पास पैसे ज्यादा है इसलिए सरोगेसी करना, इन सब चीजों को बैन किया गया है, इसलिए इसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं। इसमें सबसे पहला है कि जो इंडियन कपल है वो 23 to 50 हो अगर वो फीमेल है, और जो मेल है वो 26 to 55 हो, साथ में 5 साल से शादी हो रखी हो उनका, और एक भी बच्चा ना हो, अगर हुआ भी हो तो एक भी बच्चा सरवाइव नहीं किया हो, यानी एक भी बच्चा जिंदा ना हो उस समय तक। अगला प्रोविजन है इसमें सरोगेट मदर के लिए कि उनका एज जो है वो 25 to 35 के बीच ही होना चाहिए, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर नहीं, साथ में उसका अपना एक बच्चा भी होना चाहिए, जो सरोगेट मदर है उसका अपना बच्चा होना चाहिए, यानी जिसका बच्चा नहीं है वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। दूसरा चीज यह है कि ये प्रोविजन इसलिए लाया गया है कि ताकि जो सरोगेट मदर है वो कॉम्प्लेक्सिटीज को समझे कि इस प्रोसेस में कितने इश्यूज आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि एक बच्चा होना जरूरी है जो सरोगेट मदर है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के और भी प्रोविजंस हैं, जिसमें से पहला है कि रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि नेशनल सरोगेसी बोर्ड हो, स्टेट सरोगेसी बोर्ड हो, और इन बोर्ड का काम ये रहे कि ये लाइसेंस प्रोवाइड करें सरोगेसी क्लिनिक्स को और उनको मॉनिटर करें, ताकि सरोगेसी के जो प्रोसेस है उनको एक निगरानी में रखा जाए, एक सर्वेलेंस में रखा जाए। दूसरा है मैंडेटरी काउंसिलिंग, यानी काउंसिलिंग बहुत ज़रूरी है
जो सरोगेट मदर हैं या इंटेंडेड कपल हैं उनका कंपलसरी काउंसलिंग होना चाहिए और उनको समझाया जाए कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं सरोगेसी में। कई लोगों को सरोगेसी का मीनिंग ही पता नहीं होता है, तो उनको खोल खोल के एक मतलब समझाया जाता है कि सरोगेसी होता क्या है, उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये मैंडेटरी काउंसलिंग के थ्रू इसको इंश्योर किया गया। साथ में इसमें पेनाल्टीज भी हैं कि कई लोग जो फर्जी तरीके से सरोगेसी करते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, 10 लाख रुपए तक का फाइन है। साथ में जो इम्ब्रोयो को जो सेल करते हैं या जो सरोगेट बच्चे है उसको वो अबंडन करते हैं या एक्सप्लॉयट करते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है इस एक्ट के तहत। इस सरोगेसी एक्ट 2021 में कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं, जिसमें से पहला है यूज ऑफ डोनर गेमेट्स। इसमें क्या है कि जो मैरिड कपल हैं वो एक डोनर गेमेट्स का यूज कर सकते हैं, यानी आइदर एग या स्पर्म किसी एक चीज का भी यूज कर सकते हैं पेरेंट बनने के लिए, और वो मेडिकली सर्टिफाइड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से। दूसरा, इसमें सरोगेसी एलिजिबिलिटी फॉर सिंगल वीमेन, यानी जो सिंगल वीमेन है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सेम रखे गए हैं, यानी कि जो सिर्फ विडो हो या डाइवोर्सी हो वही सरोगेसी में एंगेज हो सकती है। सरोगेसी के लिए जो एक्ट लाया गया है वो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक्सप्लोटेशन से रोकती है, और बहुत सारे प्रोविजन हैं जिससे एक्सप्लोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन साथ साथ क्रिटिसिज्म भी हैं इस एक्ट के। वो क्रिटिसिज्म यह है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, एलजीबीटी कपल्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है इस एक्ट में, जो सिंगल इंडिविजुअल है वो भी शामिल नहीं है। साथ में कमर्शियल सरोगेसी को इसमें प्रोहिबिट किया गया है, सिर्फ मेडिकल कंपनसेशन और इंश्योरेंस कवरेज शामिल किया गया है। रेस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें कि एज लिमिट को रखा गया है, मैरिटल स्टेटस को देखा गया है, साथ में क्लोज रिलेटिव होना चाहिए जो सरोगेट करे, इंडियन होना चाहिए वो, जो सरोगेसी होगी वो इंडिया में होगी, और इंडियन कपल या इंडियन जो सरोगेट मदर हैं वही सरोगेसी में आ सकती हैं। इसमें इंक्लूसिविटी की कमी है, एलजीबीटी कम्युनिटीज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि माँ बाप बने, पेरेंट बने, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं कि ग्लोबली सरोगेसी का क्या लीगल स्टेटस है। यूएस में सरोगेसी लीगल है, कई स्टेट्स में ये लीगल नहीं है। जैसे कैलिफोर्निया में ये लीगल है, वहां पे दुनिया में अलग अलग जगह से लोग जाते हैं सरोगेसी कराने के लिए। यूक्रेन में सरोगेसी लीगल है और ये वाइडली यूज होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोअर कॉस्ट में सरोगेसी होता है। इंडिया में सरोगेसी 2015 तक ये वर्ल्ड का एक हब था क्योंकि यहाँ कमर्शियल सरोगेसी होता था और दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे सरोगेसी के लिए। कनाडा में अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी, जो कि अभी इंडिया में लाया गया है, अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी सिर्फ जो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, कमर्शियल नहीं होगा, वो कनाडा में है सरोगेसी। तो हमने सरोगेसी के बारे में डिटेल में देखा, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक्ट्स, लॉज, उसके जो क्रिटिसिज्म है उसको देखा हमने। लेकिन सरोगेसी एक जो टॉपिक है वो एक डिबेट का पॉइंट है, इसमें कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की जरूरत है, इसमें जो इथिकल कंसर्न है और साथ में जो पेरेंटल जो नीड है उसको बैलेंस करने की जरूरत है, और टाइम टाइम पे इसको अमेंड भी करने की जरूरत है ताकि जो सोसाइटल नीड है उसको फुलफिल किया जाए, इसको और इंक्लूसिव बनाया जाए। तो यहाँ पे हम सरोगेसी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।